जैन दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है। एक बड़ी खबर है और स्पेशली ये बड़ी खबर उस भर्ती से रिलेटेड है जिसको लेकर लगातार कमेंट्स आते रहते हैं। जी हाँ, 955 पद बीआरपी और सीआरपी, उसके अलावा करीब 2500 से ऊपर पद ग्रुप डी चतुर्थ श्रेणी शिक्षा विभाग में। जी हाँ, पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जी हाँ, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कल एक बैठक की, जहाँ पर तमाम उन्होंने बड़े बड़े जो पॉइंट्स हैं जो उनके विभाग के अंदर चल रहे हैं आगामी आने वाले दिनों में जो भर्तियां हैं उसको भी लेकर बात की, और इसी संबंध में उन्होंने बैठक में बात की सीआरपी बीआरपी, आप देख सकते हैं सीआरपी बीआरपी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शीघ्र नियुक्ति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अब पॉइंट्स क्या है वो यहाँ पर आप समझिए। पॉइंट्स ये है कि जैसे कि आपको बताया कि 955 जो कि बीआरपी सीआरपी की भर्ती थी, उस पर जो है भर्ती फॉर्म हुए, भराए गए, रोक लग गई, तमाम जो जो कंपनी है जिसने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया तो उनके बीच जो भी हुआ था। बाद में हमने याद हो आपको एक खबर दी थी जहां पर हमने कहा था कि अब जो है हाईकोर्ट ने इस पे स्टे हटा दिया गया है, और हाईकोर्ट द्वारा स्टे हटाने के बाद ये भर्ती आपको फिर से रीओपन हो सकती है। जी हाँ, मैं आपको ब्रेकिंग दे रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने आपको दिया था, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इसमें भर्ती फिर से रीओपन होगी या सीधे यहाँ पर आपको मेरिट बेस पर भर्ती होते हुए नज़र आ सकेगी। तो ये अधिकारियों के साथ कल बैठक की है तो बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली। दूसरी जो बड़ी बात है वो यहां पर है कि आपकी चतुर्थ श्रेणी में लगभग जो 2500 के ऊपर पद थे ग्रुप डी का, उसका क्या हुआ, उसको लेकर ये जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही कि जो कंपनी है यानी कि जो ये कॉन्ट्रैक्ट लेगी उसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है, अभी भी कोई भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये भर्ती अभी भी अटकी पड़ी है। तो इसमें थोड़ा सा और समय आपको लग सकता है। दोनों के बारे में मैंने अपडेट दे दी, वहाँ की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।